Hello everyone, welcome or welcome back to my channel The Pretty Girl. If you watch me for the very first time, then my name is Neha. And आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये ब्लैक स्मोकी आई विदाउट एनी ब्रश. कैन यू इमेजिन आई क्रिएट दिस लुक विदाउट एनी ब्रश. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट मैं ओलिविया पैनस्टिक को एज ए कंसीलर मेरे पूरे आईलिड पर अप्लाई कर लूंगी. आई मेकअप करने से पहले ही मैंने मेरा बेस मेकअप कंप्लीट कर लिया था और मेरा आईब्रोज को भी फिल कर लिया था. उसके बाद अभी मैं एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर लेकर मेरे दोनों आईलिड्स को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. जब भी आप लोग ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करोगे हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर को डैम्प कर लेना. एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लेना और ब्यूटी ब्लेंडर को भिगो देना. उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर को निचोड़ लेना बस. अभी बारी आती है आईज़ को अच्छे से सेट करने के लिए और यहाँ पर मैंने आईज़ को सेट करने के लिए लैक्मी रेडियंस कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज़ किया है. कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ जो पफ आती है उसी से ही मैं मेरा आईज़ को बहुत अच्छे से सेट कर लूँगी. आईज़ को सेट करना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि कोई क्रीज लाइन ना आए. उसके बाद मैं एक काजल लूँगी. ये स्टेक विकी का काजल है और इसी काजल से ही मैंने मेरा दोनों आईलिड्स के ऊपर काजल अप्लाई कर लूँगी. सॉरी फॉर द लाइटिंग इशू, प्लीज़ अवॉइड दिस वन. आई डोंट नो ये लाइटिंग का प्रॉब्लम क्यों हो रही है, प्लीज़ अवॉइड दिस. सो मैंने ये लुक बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट से क्रिएट किया है. सारा प्रोडक्ट्स 150 के अंदर ही आ जाती है तो आई थिंक ये बहुत ही अफोर्डेबल है और बहुत अच्छा क्वालिटी का भी प्रोडक्ट है सारा. अभी मैं मेरा एक आईलिड्स पर बहुत अच्छे से काजल अप्लाई कर लिया है एंड अभी मैं दूसरा आईज़ पर भी बहुत अच्छे से काजल अप्लाई कर लूँगी. नेक्स्ट हमें चाहिए एक क्यूटिप और ईयरबड्स. ये तो सबके घर में ही हमेशा अवेलेबल होता है. इस क्यूटिप के मदद से ही हम काजल को इवेनली पूरे आईलिड पर स्प्रेड कर देंगे. नेक्स्ट हम उसी क्यू टिप की मदद से ही एक आई शेडो पैलेट से ये ब्लैक शेड पिक कर लेंगे. ऑलमोस्ट सभी आई शेडो पैलेट में ही ब्लैक शेड अवेलेबल होता है तो आप कोई भी आई शेडो पैलेट यूज़ कर लेना और वहाँ से एक ब्लैक शेड को पिक कर लेना और उसी ब्लैक शेड को मैं काजल के ऊपर बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. ओनली काजल से भी ब्लैक स्मोकी आई लुक क्रिएट किया जा सकता है लेकिन यहाँ पर मैं ब्लैक आई शेडो यूज़ किया क्योंकि ओनली काजल ज़्यादा देर तक लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है और आई शेडो यूज़ करने से एक परफेक्ट स्मोकी आई लुक्स भी आती है. अभी आप देख सकते हो मेरा आईलिड कितना परफेक्ट लग रहा है. देन मैं उसी पैलेट से एक डार्क ब्राउन शेड को क्यू टिप की मदद से पिक कर लूँगी और एज अ ट्रांजिशन शेड मैं मेरे आईज़ पर अप्लाई कर लूँगी ताकि मेरे आईज़ पर कोई भी हार्श लाइन ना रहे. नेक्स्ट मैं उसी पैलेट से ही एक लाइट ब्राउन शेड को भी पिक कर लूँगी और ट्रांजिशन शेड के थोड़ा ऊपर बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि और भी परफेक्ट लुक आए. अभी आप लोग देख सकते हो कि ये लुक कितना परफेक्ट आया है. नेक्स्ट मैं सेम स्टेकवी की बैडस काजल से ही मेरे दोनों आईज़ का वाटर लाइन पर बहुत ही थिक काजल अप्लाई कर लूँगी. नेक्स्ट फिर से मैं एक क्यू टिप की मदद से ही सेम आई शेडो पैलेट से ब्लैक आई शेडो को पिक कर लूँगी और मेरे लोअर वाटर लाइन में बहुत अच्छे से स्मज कर दूँगी ताकि मेरा ये लुक स्मज प्रूफ भी रहे और एक बोल्ड आई लुक भी आए. अभी ये मेरा ब्लैक स्मोकी आई लुक कंप्लीट हो गया है. ऑफ कैमरा मैं मैट मी का लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई कर लिया क्योंकि विदाउट लिपस्टिक कोई भी मेकअप लुक कंप्लीट नहीं होता है. अब मैं सेम आई शेडो पैलेट से इन दोनों में से कोई भी एक शिमर शेड पिक कर लूँगी और आई लिड्स पर अप्लाई कर लूँगी. ये स्टेप पूरा ही ऑप्शनल है क्योंकि इसके बिना ही पूरा आई लुक कंप्लीट हो सकती है. तो आपने देखा कि मैंने ये ब्लैक स्मोकी आई लुक विदाउट एनी मेकअप ब्रश से ही क्रिएट किया है. सभी प्रोडक्ट का परचेस लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर लूँगी सो डू चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आई होप आप लोगों को मेरा ये लुक पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एक बिग थम्स अप दे देना, कमेंट करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरा ये वीडियो शेयर भी कर देना.
प्लीज मेरे इस चैनल को सपोर्ट करना। मैं इस वर्ल्ड में न्यू हूँ, तो आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए कर पाऊंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो अभी आप लोग सोच रहे हो वीडियो खत्म होने के बाद फिर से ये क्या स्टार्ट हो गया, सो आई थॉट आप लोगों के साथ मेरा ये पूरा मेकअप लुक भी शेयर किया जाए। वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट से मैंने ये सिंपल मेकअप लुक क्रिएट किया है जो हर कोई अफोर्ड कर सकती है। सो कीप ऑन वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी।
just love this look. Hope you guys will also like this look.